Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana, and we are learning English Grammar by Brain Root series. And this is your book. The name of your book is Grammar Glitter Odyssey. And this is book 1. Today, we are going to start with chapter 4, and the name is

तो किसी बॉय किसी गर्ल इन्हें ही हम पर्सन कहते हैं तो इनका जो नाम है जो इनके पेरेंट्स ने, ने दिया है वही तो है नेमिंग वर्ड इट कैन ऑल्सो बी द नेम ऑफ प्लेस लाइक स्कूल पार्क एंड हॉस्पिटल तो अभी हमने पढ़ा कि नेमिंग वर्ड किसी पर्सन के नाम को कहते हैं लेकिन किसी प्लेस के नाम को भी कहते हैं जैसे कि स्कूल हॉस्पिटल पार्क पुलिस स्टेशन तो ये जितनी भी जगह हैं उनके नाम को भी नेमिंग वर्ड कहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो रितिका है शी इज अ पर्सन एंड रितिका इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड सिमिलरली शी सो शोइंग आस हर स्कूल वो अपना स्कूल हमें दिखा रही है सो स्कूल इज अ प्लेस और इसीलिए हमने स्कूल को भी यहाँ पे एज अ नेमिंग वर्ड बोला है सो चिल्ड्रेन एक्सरसाइज फर्स्ट टू अंडरस्टैंड बेटर अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा समझने के लिए अच्छे से चलिए इस एक्सरसाइज को करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में सब चीजें आ जाए सो ए एक्सरसाइज इज एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स इन द करेक्ट फॉलम पिक्चर्स को हमें ध्यान से देखना है और उनके नाम लिखने हैं नीचे कॉलम्स में सो so चलिए देखते हैं कौन कौन से कॉलम्स बने पहले कॉलम देख लेते हैं पीपल अभी हमने पढ़ा था ना रितिका प्लेस जैसे स्कूल पढ़ा था नेक्स्ट कम्स एनिमल तो एनिमल को भी हम नेमिंग वर्ड्स में लिखते हैं नेक्स्ट इज थिंग कोई भी सामान कोई भी चीज उससे भी हम नेमिंग वर्ड्स में लिखते हैं तो चलिए देखते हैं पिक्चर किन किन चीजों की बनी हुई है फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ फैन सबके घरों में होता है ना तो फैन क्या है क्या ये कोई पर्सन है पीपल है नो प्लेस नो नो एनिमल क्या ये एक थिंग है यस सो लेट्स राइट हियर फैन नेक्स्ट यू कैन सी नर्स तो नर्स कौन है कोई पीपल है येस सो लेट्स राइट इट हियर आफ्टर दैट कम्स लायन तो लायन कौन है कोई पर्सन है कोई प्लेस है कोई एनिमल है या थिंग है येस इट इज एन एनिमल नेक्स्ट कम्स हिल्स और माउंटेन्स तो ये क्या है दिस इज आ प्लेस सो लेट्स राइट हिल्स नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ जीब्रा सो जीब्रा क्या ये कोई पर्सन है एनिमल है प्लेस है या थिंग है तो ये एक एनिमल है सो लेट्स राइट जीब्रा नेक्स्ट इज कैट अभी देखो कैट क्या है कोई पर्सन प्लेस एनिमल या थिंग सो कैट इज अ एनिमल इट इज एन एनिमल नेक्स्ट फादर सो फादर कौन है एक पर्सन है सो लेट्स राइट इट फादर नेक्स्ट इज आ बॉक्स एन एम बॉक्स एक खाली बॉक्स है तो बॉक्स क्या है कोई पर्सन है प्लेस है एनिमल है या थिंग है यस yes. ये एक थिंग है एक चीज है क्लियर नेक्स्ट पिक्चर है स्कूल की तो ये स्कूल जाते हैं ना सर वो एक प्लेस है सो लेट्स राइट हियर स्कूल नेक्स्ट इज आ पार्क जहां पे सब बच्चे शाम को खेलने जाते हैं तो पार्क भी एक प्लेस है तो चलिए जल्दी से पार्क लिख देते हैं नेक्स्ट बेबी यस बेबी क्या है एक पर्सन है तो जल्दी से लिख देते हैं बेबी नेक्स्ट इज अ चेयर तो क्या एक पर्सन है प्लेस है एनिमल है ये थिंग है तो चेयर तो एक थिंग है तो जल्दी से हमने यहाँ पे चेयर लिख दिया आई होप च्रेन समझ में आ गया होगा आपको नाउ लेट्साइज वॉट इज एक्सरसाइज सर्कल द नेमिंग वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेज तो यहाँ को सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें हमें क्या करना है नेमिंग वर्ड्स को सर्कल करना है अभी हमने पढ़ाना नेमिंग वर्ड्स किसी पर्सन को कहते हैं किसी प्लेस को कहते हैं किसी एनिमल को कहते हैं और किसी थिंग को कहते हैं तो चलिए देखते हैं इन चारों में से जो भी आएगा उसे हम सर्कल कर देंगे सो य द फर्स्ट वन इज़ माई डॉग ड्रिंक्स मिल्क मेरा जो डॉग है वो मिल्क पीता है सो डोग ये वो तो एक एनिमल है तो चलिए जल्दी से सर्कल कर दें अब डॉग क्या करता है मिल्क पीता है मिल्क तो थिंग है उसे भी हमने कर दिया सर्कल नेक्स्ट वी लिव इन डेली हम लोग डेली में रहते हैं तो येस yes, डेली एक जगह का नाम है इसलिए हमने यहाँ पे से सर्कल किया है द गर्ल्स आर डांसिंग कौन कर रहा है डांस गर्ल्स तो गर्ल्स क्या है पर्सन राम गोज टू तो स्कूल रेगुलरली अब यहाँ पे कौन काम कर रहा है राम तो राम को सर्कल कर दिया और वो कहाँ जा रहा है स्कूल तो राम और स्कूल सर्कल करेंगे राम एक पर्सन का नाम है और स्कूल एक प्लेस का द लाइन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट तो यहाँ पे लायन जो है वो एक एनिमल है किंग एंड फॉरेस्ट तीनों को हम करेंगे सर्कल नेक्स्ट माई विलेज इज नियर द रिवर तो विलेज को करेंगे हम सर्कल नेक्स्ट काम्स रिवर रिवर को भी हम कर देंगे सर्कल क्योंकि दोनों ही एक प्लेस है तो एक चीज है करेक्ट समझ में आया कैसे हमें करना नेमिंग वर्ड्स को साइकिल नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी एक्सरसाइज विच इज नेम ने इन लोगों के नाम बताने आपको कौन कौन है ये लोग अ पर्सन हु कैचेस थीव चोरों को पकड़ता है कौन पकड़ता है ये yes. पुलिस मैन तो पुलिस मैन एक पर्सन है और एक नेमिंग वर्ड भी अ पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ कपड़ों को सिलता है कौन सिलता है टेलर। आपको कपड़े सिलवाने होते तो किसके पास जाते हैं टेलर के पास अ पर्सन हु मेन शूज जूतों को बनाता है उन्हें ठीक करता है कौन कॉबलर अ पर्सन हु पेशेंट्स पेशेंट्स को ठीक करता है कौन करता है डॉक्टर डॉक्टर के पास जाते हैं ना जब हमें जो है कोई बीमारी होती है तो अ पर्सन हु कट्स हेयर बालों को कट करता है कौन कट करता है बार एंड सिक्स वन अ पर्सन हु रिपेयर्स लीकिंग टैप्स आपके घर में अगर नल कभी खराब हो जाए तो किसे बुलाते हैं आप प्लम्बर तो जो नलों को ठीक करता है उसे कहते हैं हम प्लम्बर so समझ में आ गया होगा आपको ये सारी एक्सरसाइजेस नाउ लेट्स मूव ऑन टू डी एक्सरसाइज चूज फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द नेम ऑफ द गिवन पिक्चर तो बॉक्स में से चूज करना है और पिक्चर में जो भी नाम दिए गए हैं उन्हें लिखना है तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है टेम्पल एलिफेंट प्लस मैन एंड विंडो तो फर्स्ट पिक्चर है विंडो की तो चलिए जल्दी से विंडो लिख दे नेक्स्ट पिक्चर है एलिफेंट की तो एलिफेंट लिख देते हैं नेक्स्ट पिक्चर है टेम्पल और जो लास्ट पिक्चर है वो है क्लियर हेलो डियर लेट्स लर्न अबाउट एनिमल्स एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे उनके बेबीज कौन कौन से होते हैं कैसा साउंड निकालते हैं वो और उनके घर को हम क्या कहते हैं सो लेट्स लर्न सो लेट लर्न अबाउट बेबी एनिमल्स बेबी एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे उनके साउंड्स और उनके घरों के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर किसकी है लाइन की द बेबी ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ कब तो आप देख सकते हो लाइन के पास कौन है लाइन का बेबी जिसे हम कहते हैं सी यू बी कब इट लिव्स इन अ डेन वो किस में रहता है ये देखो क्या है ये दिस इज roar. तो जब देखो वो आवाज निकालता है तो उसे हम कहते हैं उसकी आवाज को रोर आर ओ ए आर रोर नेक्स्ट पिक्चर आप देखो किसकी है एक डॉक की और डॉग के पास कौन बैठा है उसका बेबी सो देबी ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड आ पपी तो डॉग के बेबी को हम पपी कहते हैं पी डबल पी वाई पपी और डॉग कहा रहता है इटल कैनल वो एक कैनल में रहता है ये देख सकते हो आप ना दिस इज अनेल एंड इट से बार्क बार्क तो वो क्या करता है बार्क करता है तो डॉग के साउंड को हम कहते हैं बेबी ऑफ अ डियर इज कॉल्ड fawn यहाँ पे ये यह डियर है और उसके साथ आप देख सकते हो उसका बेबी है उसके बेबी को हम एफ ए डब्ल्यू एन फॉन कहते हैं इट lives इन ग्रास लैंड वो कहाँ रहता है ग्रासलैंड में And it says, Grant. तो डियर की जो आवाज होती है उसे कहते हैं ग्रांट जी आर यू एन टी ग्रांट द बेबी ऑफ अ काऊ इज कॉल्ड अ काफ तो काऊ के बेबी को हम कहते हैं काफ सी ए एन एफ काफ एंड इट लिव्स इन अ शेड और जो काऊ है वो कहाँ रहती है ऐसे शेड में रहती है इट्स सेज मू आपको इन एनिमल्स के अलावा फाइव और एनिमल्स के बारे में आपको लिखना है उनके नाम लिखने हैं उनके बेबीज को हम क्या कहते हैं वो कैसा साउंड निकालते हैं और वो कहाँ रहते हैं So, write all these. So, this is your homework. So, children, I hope you enjoyed learning babies of different animals, their sounds, and their homes. I'll be waiting for you with a new chapter and a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.